गाइज, हमारे इस अनोखी और विचित्र दुनिया में कई ऐसे जानवर मौजूद हैं जो खुद को शिकार से बचाने या शिकार करने के लिए अपने दांत, पंजे, नाखून और ताकत का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे छोटे कीड़े यानी जानवर भी मौजूद हैं जो अपने शिकार पर ऐसे अटैक करते हैं कि अपने शरीर में जहर बना सकते हैं। इनका ये अटैक कई बार खुद को बचाने और कई बार शिकार को मौत के घाट उतारने के लिए होता है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 10 ऐसे जानवर लेकर आए हैं जिनका सबसे बड़ा हथियार उनके शरीर से निकलने वाला जहर है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 10, रेड वुड एंट्स। हमेशा से आप यही सोचते होंगे कि छोटी सी दिखने वाली ये चींटियां आपको कोई खास चोट नहीं पहुंचा सकती, तो हो सकता है कि रेड वुड एंट्स आपकी सोच को बदल के रख दे, क्योंकि रेड वुड एंट्स बेहद ही खूंखार चींटियों में से एक हैं और अपने दुश्मन को जोर से अटैक करके मारने के लिए जानी जाती है। ये इतनी शातिर है कि जब इनका कोई दुश्मन इनके पास आता है तो ये बिना देरी किए बहुत ही तेजी से उस पर जहर फेंकना शुरू कर देती है। इस जहर की क्वांटिटी भी इतनी ज्यादा होती है कि इनका दुश्मन वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना ही सही समझता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि छोटे होने के बावजूद भी ये चींटियाँ अपने जहर को कई इंच तक फेंक सकती हैं। आमतौर पर ये चींटियाँ यूरोप के साथ साथ उत्तरी अमेरिका में भी पाई जाती हैं और ग्रुप में रहना पसंद करती हैं। एक ग्रुप में लगभग 5 लाख रेड वुड एंट्स रहती हैं और मुसीबत में हजारों चींटियाँ एक साथ जहर फेंक कर अपने दुश्मन को मारती हैं। नंबर 9, स्पीडिंग स्पाइडर। स्पीडिंग स्पाइडर के नाम से जाने जाने वाली ये मकड़ी दूसरी मकड़ियों से बहुत ही अलग है, क्योंकि जहां दूसरी मकड़ियां शिकार को पकड़ने के लिए अपना चिपचिपा जाल और नुकीले जबड़ों का यूज करती हैं, तो वहीं स्पीडिंग स्पाइडर अपने शिकार पर एसिड थूककर उन्हें पकड़ती हैं। दरअसल ये मकड़ी जिस जहर को शिकार पर थूकती हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा जहरीला और चिपचिपा होता है, जिसके अंदर मकड़ी का रेशम भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। इस पर पैर रखने के बाद शिकार वहां से हिल भी नहीं पाता और फंस जाता है। अब जैसे ही ये खुखार मकड़ी अपने फंसे हुए शिकार को देखती है, तो उसके शरीर में एक लकवा प्रस्त करने वाला जहर चेक करती है और फिर अपने लार को छोड़ती है। इतना ही नहीं, ये वापस उस जहरीले जाल को बाहर अपने काटे गए होल से भी वापस खींच लेती है। इसके हमले से बचना शिकार के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि अपने एसिड को 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से थूक सकती है। इनका आकार 3 से 6 मिलीमीटर तक होता है, लेकिन पतले पैर होने के कारण ये धीरे धीरे चलती हैं। इस खतरनाक जीव की औसत उम्र लगभग 5 वर्ष है, लेकिन कई मादा स्पिटिंग स्पाइडर अंडे देने के बाद ही मर जाती है। नंबर 8, वेलवेट वर्म। हमने ऐसे कई जानवर देखे हैं जिनका नेचर उनके नाम से मेल खाता है, लेकिन वेलवेट वर्म के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका नाम चाहे वेलवेट जैसा कोमल है, मगर असलियत में ये कीड़ा बहुत ही खूंखार होता है। वेलवेट वर्म एक ऐसा मांसाहारी कीड़ा है जो अपने शिकार को बड़ी ही बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारता है। दरअसल जब वेलवेट वर्म अपने शिकार को करीब से देखता है, तो अपने सिर पर मौजूद एंटीना के नीचे से उस पर एक चिपचिपा जहर और केमिकल छोड़ता है जो बहुत ही जल्दी सख्त हो जाता है और शिकार उसमें फंस जाता है। इसके बाद वेलवेट वर्म शिकार को अपने जबड़ों से खोलता है और उसमें अपना सलाइवा इंजेक्ट करने से पहले उसका पूरा रस चूस लेता है। वेलवेट वर्म का ये लार कीड़ों पर काफी इफेक्टिव साबित होता है, लेकिन इंसानों पर इसका कुछ खास असर नहीं होता, क्योंकि ये जहरीला नहीं होता। हालांकि आपको ये बात अजीब लगेगी कि वेलवेट वर्म काफी हद तक देख नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी हवा के आधार पर शिकार पर सही निशाना लगाते हैं। ये खतरनाक कीड़ा अपने शिकार पर करीब 1 फीट की दूरी से भी सटीक हमला कर सकता है। नंबर 7, तंबाकू हॉर्नवर्म कैटरपिलर। वैसे तो कई कैटरपिलर हैं जो बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते हैं और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते, लेकिन तंबाकू हॉर्नवर्म ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके शरीर में बहुत ही मात्रा में जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं। दरअसल तंबाकू हॉर्नवर्म जहरीले तंबाकू के पौधों को खाते हैं, जिसके कारण इनके शरीर में भी विषैले पदार्थ बन जाते हैं, और जब ये खुद को बचाने के लिए शिकारी मकड़ियों या अन्य शिकारी कीड़ों को डराने का प्रयास करते हैं, तो अपने स्किन से एक विषैला पदार्थ छोड़ता है जिसमें निकोटीन और अन्य जहरीले पदार्थ होते हैं, जो बड़े खतरों से भी इसे बचाने का काम करते हैं। तंबाकू हॉर्नवर्म के बारे में एक ऐसा और भी खास बात है कि किसी भी तितली के सेब की तरह बदलने से पहले तक और किसी तंबाकू के पेड़ की तरह रहता है और उन्हें खाकर ही जीवित रहता है। इसके शरीर पर तंबाकू के पत्तियों पर मौजूद निकोटीन का भी असर नहीं होता, जबकि अधिकांश जीव इसे खाकर मर जाते हैं।
नंबर 6 बम्बार्डियर बीटल। इस खतरनाक जीव को इसके एसिड फेंकने के लिए जाना जाता है। दरअसल इनके शरीर में हाइड्रोजन कैनन और हाइड्रोजन परोक्साइड से मिलकर एक जहर बनता है, जिसे खुद को बचाने या शिकार करने के लिए अपने दुश्मन पर तेजी से स्प्रे करता है और अपने शिकार की स्किन तक जला देता है। जब ये अपने शिकार पर एसिड फेंकता है तो उसे पहले यह अपने शरीर में उसके उबलने तक वेट करता है। इसकी गर्माहट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब बम्बार्डियर बीटल यह एसिड किसी पर फेंकता है तो गर्मी के कारण उसके शरीर से भी धुआं निकलने लग जाता है, मगर जहर फेंकने के तुरंत बाद ही इसका शरीर तुरंत ही ठंडा हो जाता है। यह जहर इतना खतरनाक होता है जो इसके शिकार की स्किन तक जला देता है और कई बार शिकार मौके पर ही दम तोड़ देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बम्बार्डियर बीटल अपने शरीर से 300 ग्राम तक जहर एक बार में फेंक सकता है। नंबर 5 व्हिप स्कॉर्पियन। अब हम जिस जीव के बारे में बात कर रहे हैं वो अपने शिकार को डंक मारने के बजाय अपने शिकार पर जहर फेंकने में भरोसा रखता है। हालांकि यह अपने इस मजबूत पंजों से अपने शिकार को भी पकड़ता है, लेकिन इसका मुख्य हथियार इसके शरीर में मौजूद इसका जहर ही होता है। यह इतना शातिर है कि जब भी अपने आसपास खतरा महसूस करता है तो अपने पूंछ से शिकार पर दमदार एसिड अटैक कर देता है। इसका एसिड इतना खतरनाक होता है कि अगर इंसानों के संपर्क में आ जाए तो तेज जलन और काफी दर्द महसूस होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्हिप स्कॉर्पियन के द्वारा फेंके गए जहर में 85% एसिटिक एसिड होता है। आमतौर पर व्हिप स्कॉर्पियन शिकार के लिए दिन के बजाय रात में अपने शिकार के लिए निकलते हैं और मुख्य रूप से छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। यह अपने शिकार को मजबूत जबड़ों से फाड़ देते हैं और फिर अपने खाने का मजा लेते हैं। बड़ी पूंछ वाले इस जानवर की लंबाई 8 से 45 सेंटीमीटर तक हो सकती है। नंबर 4 कॉफी फॉर्म क्रिसोफर। टिंडे को देखते ही हमारे दिमाग में एक ऐसे जीव की छवि बनती है जो एक लकड़ी की तरह दिखाई देते हैं और यहाँ से वहाँ उड़ते रहते हैं। आमतौर पर टिंडे खतरनाक नहीं होते और काफी शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन कॉफी फॉर्म क्रिसोफर प्रजाति के कीड़े काफी खतरनाक होते हैं, जिसके अंदर जहर का गोदाम होता है। और जब इस खूंखार जंतु की नजर अपने शिकार पर पड़ती है तो ये अपने सिर के पीछे वाली ग्रंथियों से जहर छोड़ता है, जिसके अंदर से एक गंध वाले जहर के साथ साथ एक आवाज आती है। इसका ये जहर इतना खतरनाक होता है कि शिकार जैसे ही इसके संपर्क में आता है तो वह तुरंत ही घायल हो जाता है। यही नहीं, अगर कोई कीड़ा या जानवर इसे काटने की कोशिश करता है तो वह इसके दर्द से बेहाल हो जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके अंदर ये जहर बचपन से नहीं होता बल्कि इनके खाने से होता है। दरअसल ये ऐसे घास और पौधे को खाते हैं जो काफी ज्यादा जहरीले होते हैं, जिसके चलते ये भी जहरीले हो जाते हैं। नंबर 3 गीको। अगर आप भी अपने घरों में रहने वाले छिपकली को देखकर डरने वालों में से हैं, तब आपको गीको छिपकली किसी मॉन्स्टर की तरह लगने वाली है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि इस गीको छिपकली की पूंछ में एक खास तरह का जहर पाया जाता है जो अपने शिकार पर फेंक कर उसे घायल करती है। और जब यह खुद को किसी बड़े खतरे में देखती है। गीको दिखने में चाहे एक छोटी छिपकली है, मगर ये अपने शिकार पर काफी दूर तक और सटीक निशाना लगा सकती है। अब बात करें इस मॉन्स्टर के शरीर की, तो इसकी लंबाई 3 से 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वहीं इनके पैर की उंगलियों पर नुकीले बाल होते हैं। ये बाल नुकीले होने के साथ साथ घातक भी हैं और अगर किसी को चुभ जाए तो परेशानी में डाल सकते हैं। हालांकि यह इंसानों के लिए ज्यादा घातक नहीं होता, मगर छोटे जानवरों के लिए काफी जानलेवा होता है। तो गाइस, अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।